हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? सो आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे भी रहने चाहिए, ठीक है। तो आज की जो वीडियो की जो प्लस टू वाले करके आ रहे हैं कनाडा, उन्हें क्यों नहीं आना चाहिए, थोड़ी अजीब लगेगी बात, क्योंकि बहुत लोगों के माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बेटा या बेटी जैसे प्लस टू करे उसका अच्छा करियर बन जाता है कनाडा में। बट प्लस टू के बाद नहीं आना चाहिए, इसके मैं रीज़न्स बता देता हूँ। पहला रीज़न है लैक ऑफ एक्सपीरियंस। लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन केस ऑफ जॉब, अगर आप प्लस टू के बाद आते हो आपके पास कोई जॉब का एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है। तो जॉब का एक्सपीरियंस ना होने के करके आपको जॉब नहीं मिल पाती है। हालांकि अभी भी मुझे नहीं मिली है। इवन आई डिड जॉब लाइक इन डिकैथलॉन, 2 ईयर्स मैंने जॉब किए डिकैथलॉन में, मल्टीनेशनल कंपनी है, रिटेल स्पोर्ट रिटेल की है। तो एक्सपीरियंस मैटर्स, कहीं भी जाओगे आपका एक्सपीरियंस काउंट होना ही होना है, ठीक है। सेकंड है मैच्योरिटी लेवल। मैच्योरिटी लेवल क्या होता है? थिंकिंग कैपेबिलिटी आपकी, कम्युनिकेशन स्किल्स और सरकमस्टांसिस को कैसे हैंडल करना है, हर एक चीज़ को, हर एक सरकमस्टांसिस को आप कैसे हैंडल करते हो। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आप प्रॉब्लम से भागने की बजाय उसको फेस करें। कोई पर्सन आपको परेशान कर रहा है, कोई पर्सन आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कोई पर्सन आपको लाइक नहीं कर रहा है, वेदर इट रिलेटेड टू ये जॉब, पर्सन और कोई सरकमस्टांसिस, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए आपके सामने, आप उसको टैकल कर लो। मैच्योरिटी लेवल उसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार यहाँ पे आके बच्चों को मैंने रोते देखा है कि मुझे मम्मा पापा की याद आ रही है, मैं घर जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे घर भेज दो किसी भी तरह, मैं कनाडा नहीं रहना चाहती। तो होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है लोगों को। तो उसका ये रीज़न है कि जब प्लस टू करके आते तो उनका अटैचमेंट जो होती है पेरेंट्स के साथ वो बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि जो ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं उनकी भी अटैचमेंट सेम होती है, बट जो प्लस टू करके आ रहे हैं उनका क्या है, वो फुली डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स होते हैं। फुली डिपेंडेंट मींस मम्मी खाना खाएं, मम्मी कपड़े धो दीजिए, मम्मी ये कर दीजिए, पापा मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए, लाइक मामास बॉयस बन जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आके आपको सारा काम अपने आप करना पड़ेगा। कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा, कोई आपको पूछेगा नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, जॉब पे क्यों नहीं गए, बीमार हो, कैसे हो, कोई नहीं पूछता यहाँ पे, बिकॉज सबकी अपनी लाइफ है तो सब अपने बारे में सोचते हैं। तो मेरी तो यही एडवाइस रहेगी कि इफ़ यू आर कमिंग तो बी प्रिपेयर्ड, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर प्लस टू करके आ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ सकते हो, मोस्ट वेलकम, वेलकम टू कनाडा। मैं तो दिल से चाहूँगा अगर आप प्लस टू करके आ रहे हो आपको अच्छी सी जॉब मिल जाए और बहुत सारी चीज़ें मिल जाए, लाइक मॉम डैड के ड्रीम्स पूरे हों, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाते क्योंकि जो मैच्योरिटी लेवल है, लेवल ऑफ थिंकिंग है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, टैकलिंग विद द सिचुएशन है, वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो 12वीं के बाद जॉब करते हैं एज वेल एज पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करके आते हैं। और एक और रीज़न है, जब आप पीआर के लिए, परमानेंट रेजिडेंस के लिए आप अप्लाई करते हो, उसमें आपका एज के पॉइंट्स एज वेल एज आपकी एजुकेशन के पॉइंट्स भी जुड़ते हैं, ठीक है। और अगर आपके आइल्स के अच्छे मार्क्स हैं तो माशाल्लाह बड़े बढ़िया अच्छे मतलब मार्क्स हो तो आपके पॉइंट्स अच्छे हो जाते हैं। सो गाइस, मैं तो चाहता हूँ कि आप आओ कनाडा, और स्ट्रगल तो हर जगह होती है, ठीक है। स्ट्रगल वहाँ भी थी इंडिया में, स्ट्रगल यहाँ भी है, ठीक है। हर एक स्टूडेंट की अपनी लाइफस्टाइल है, मेरी जो लाइफस्टाइल है आप देखते ही हो, ठीक है। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स, जो मैं सोचता हूँ और जो मैंने नोटिस किया है इन 2 मंथ्स में, वो शेयर करूँ आपके साथ, ताकि आप भी प्रिपेयर्ड होके आओ, अच्छे से प्रिपेयर होके आओ कनाडा। और यहाँ का वेदर, अभी मैंने जैकेट वैसे पहनी है, रात का टाइम है, 10 बज गए, लग नहीं रहा वैसे। सो ज़्यादा ही लंबी बात होगी, अच्छी लगी वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए करिए,
और लाइक करने से यही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शो होगी। और चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा, और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। और कमेंट में बताइएगा अपनी प्रॉब्लम्स। कोर्स के रिलेटेड मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मुझे किसी कोर्स के बारे में नॉलेज नहीं है। मेरा जो कोर्स है वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट, उसके बारे में नॉलेज है। यू कैन आस्क एनी टाइम, यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टा एज वेल, इंस्टाग्राम, और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं सोच रहा हूँ फेसबुक पे भी अपनी वीडियोस डालूं। क्या कहते हो, डालूं कि ना डालूं? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो अभी मैं जा रहा हूँ टमाटर लेने थोड़ा फनी लग रहा है बट अभी सब्जियां लेने जा रहा हूँ, डिनर बनाना है। सो अपना ख्याल रखिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।